नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की यात्रा रामगढ़ बाजार से शुरू होती है। वैसे तो सोनभद्र जनपद में कई प्रसिद्ध जलप्रपात मौजूद हैं, लेकिन कई ऐसे भी जलप्रपात हैं जो दूर दराज के गांवों के आसपास मौजूद हैं, जिसकी जानकारी बहुत ही कम लोगों को है। आज हम एक ऐसे ही जलप्रपात को देखेंगे। यह जलप्रपात नगवा ब्लॉक में पड़ता है। पन्नूगंज थाने से दाहिने चलते हुए बरबसपुर, केवटम, ढोसरा जैसे गांवों से होते हुए हमें सबसे पहले पनौरा पहुंचना होगा। यह रास्ता खूबसूरत दृश्यों व जंगल से भरा हुआ है। गांव के मध्य से गुजरने के कारण बहुत से सुंदर घरों को भी देखा जा सकता है। आज की यात्रा में हमारा मकसद कहीं और ही जाने का था, लेकिन गलती से इस जलप्रपात तक पहुंच गए, जिसका नज़ारा आज आप इस वीडियो में देखेंगे। पनौरा पुलिस चौकी से होते हुए हमें दाईं तरफ जाना होता है। इसके बाद ग्राम सचिवालय व प्राथमिक विद्यालय पनौरा के किनारे से आगे बढ़ना है। कुछ ही समय में हम सथारी गांव के इस वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं। यहां एक छोटा सा मंदिर और विद्यालय भी मौजूद है। मुख्य सड़क को छोड़कर वाटरफॉल देखने के लिए थोड़ी दूर पैदल जाना होगा, जो सड़क के किनारे ही है। यहाँ बहता हुआ पानी पत्थरों के बीच अचानक कहीं गायब हो जाता है। और दूसरी तरफ एक चौड़े जलप्रपात के रूप में गिरता हुआ दिखाई पड़ता है। आज से पहले हमें इस स्थान के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी,
लेकिन यह नज़ारा कमाल का है। सच में यह वाटरफॉल बेहद खूबसूरत और सुकून से भरा हुआ है। अब तो बरसात का मौसम समाप्त हो गया है, लेकिन मानसून के समय यहाँ का नज़ारा और भी अधिक कमाल का होता होगा। यह जलप्रपात बहुत ही खूबसूरत है। इस अत्यधिक रमणीय जलधारा की जानकारी सिर्फ आसपास के लोगों को ही है। उम्मीद है अब अधिक से अधिक लोगों को इसकी जानकारी हो जाएगी। गांव के छोर पर मौजूद यह स्थान हरियाली से भरपूर व शांति प्रिय लोगों के लिए एक बेहतरीन स्थान है। यहां तक पहुंचने से संबंधित सभी जानकारी डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है, आप कृपया उसे वहां से देख लें। इस स्थान को छोड़कर अब हम थोड़ी आगे बढ़ते हैं। कुछ ही किलोमीटर दूर सोमा नाम का गांव पड़ता है। यहां विद्यालय के बगल से जंगल की तरफ एक रास्ता जाता है, जिसके सहारे हम आगे बढ़ते हैं। और जल्दी ही यह रास्ता समाप्त हो जाता है। जहां पर रास्ते समाप्त होते हैं, ठीक वहीं पर मौजूद अत्यधिक ऊंची पहाड़ियों का दृश्य देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यह सुनसान लेकिन मनोरम स्थान है। सामने सोन नदी और कोन के दृश्य को देखा जा सकता है। हम यहाँ गलती से पहुंचे थे, लेकिन यह स्थान वास्तव में बेहद खूबसूरत और दिल को सुकून देने वाला है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए उपयुक्त है। यहाँ घंटों शांतिमय पलों को गुजारा जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे सोनभद्र जनपद की एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। जय हिंद।